चर्चा शुरुआत कीजिए और जाना चाहूंगा उधमगढ़ जो है मतलब मेगा कास्ट है, काफी सारे फेमस एक्टर्स इसमें जोड़ रहे हैं, सर प्लीज कैमरा लो। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना उत्साहित इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा है, अब इसको लेके हमारी तैयारी चल रही है, पूरी टीम लगी हुई है जोर शोर से और काफ़ी मजबूत टीम है हमारी जो सपोर्ट करी है हमें, क्योंकि हम तो नए हैं इस फील्ड में, तो इन लोगों ने सारी चीज़ें की तो हमें अच्छी लगी तो हम आगे बढ़े इसमें। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो नाता है? एक इंडस्ट्री से हमारा नाता तो नहीं है, हम बिल्कुल नए हैं, लेकिन हमारे अंकल हैं जो मेरे पार्टनर हैं मोहम्मद सईन खान, तो उनके फादर हैं मोहम्मद शेर खान साहब, तो उनको इंटरेस्ट था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उनका एक ड्रीम था तो वो पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये वेब सीरीज के लिए सोचा कि शादाब खान जी ने बताई है कि एक रियल स्टोरी, तो हमें बहुत पसंद आई तो इस पे हम काम कर रहे हैं। लोकेशन की शूटिंग की बात करें तो खबर मिली है कि जो लोकेशन आप शूट कर रहे हैं बहुत मेगा लोकेशन है, बड़ा लोकेशन है और पहली बार ऐसी शूटिंग हो रही है उस लोकेशन में। बिल्कुल, जो लोकेशन होती है जैन वन, वो बहुत सारी लोकेशन है जो शायद आपने किसी ने वेब सीरीज में नहीं देखी होंगी, वो हमने लोकेशन चूज की है और इसमें हमें काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगी इस लोकेशन को चूज करने में। सर प्लीज आपसे चाहूंगा कि आप हिस्सा इस वेब सीरीज के क्या किरदार निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, मेरे लिए ये एब्सोल्युटली न्यू कैरेक्टर है, अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, अगर आप पान सिंह तोमर देखें या राजनीति देखें या अब तक 56 देखें या आश्रम देखें, बट उसके बाद जो ये कैरेक्टर है ये मेरे लिए डेफिनेटली चैलेंज है और बहुत ही यूएसपी है मतलब इस वेब सीरीज़ का, तो मेरे लिए वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है करने के लिए और चैलेंज भी है, तो आई होप कि मतलब मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ। और बोर्ड पे जैसे आप इकबाल भाई को लाए हैं बोर्ड पे और निशांत मिलखानी, काफ़ी फेमस शेयर है ये सब टेलीविजन के, तो कितना आसान है कितना मुश्किल हुआ कन्विंस करना या राजी हो गए थे आपके बात को लेके? ये बात तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। बस भाई को हम देखा ही है, मशहूर हस्तियाँ हैं तो हमें लगा कि इस रोल में भाई फिट रहेंगे, तो हमने अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट की कि भाई से कैसी भी टाइम लेके इसमें काम करें, तो भाई को स्टोरी अच्छी लगी और जगह अच्छी लगी तो इन्होंने फिर तैयार हो गए करने के लिए। ये भी अच्छा होगा कि जो टाइटल है उससे लग रहा है कि कोई बहुत तो राजा महाराजा का स्टोरी है, क्या बेसिकली स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा अगर आप? बेसिकली स्टोरी तो अभी शेयर नहीं कर सकते, वो शादाब भाई ने हमें बताई है सारी चीज़ें, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है जो आप लोगों को पूरी ऑडियंस को पसंद आएगी बहुत अच्छी तरह। राजा महाराजा नहीं, एक बेसिकली जो गाँव से जुड़े लोग होते हैं मीडियम परिवार वाले उस से जुड़ी हुई है। ये भी जानना चाहूँगा कि शूटिंग शेड्यूल वगैरह कब आप प्लानिंग कर रहे हैं और फाइनली प्लेटफॉर्म कौन सा आप ढूंढ रहे हैं जिस पे आप रिलीज करना चाहेंगे सीरीज को? देखो, 1 मार्च से हमारा शूटिंग स्टार्ट है और इसमें 40 से 50 दिन लग जाएंगे इस काम में, वो तो टीम को सारा मीनू पता है और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो एक अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके जो बड़े अच्छी हिट जो सीरीज हुई है उनमें जाके हमारा नाम हो। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ाव हो गया, आपको क्या प्लानिंग है निर्माता को लेकर? वेब सीरीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे किस तरह से देख रहे हैं अपने भविष्य को निर्माता के तौर पर, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट? देखो, ये हम अच्छा कर दें फिर उसके बाद हम डिस्क्लोज करें तो बेटर है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वही है कि पहले 1 step at a time, तो पहला स्टेप अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होता है तो रास्ते खुल जाते हैं, तो बहुत सही है। फिर भी निर्माता के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जितनी सारी वेब सीरीज, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो अपने इसको अलग साबित करने के क्या खास करने वाले हैं आप? बिल्कुल खास, जब लोग इसे देखेंगे तो वो बिल्कुल पूरी टीम की, डायरेक्टर साहब की, राइटर की बिल्कुल तारीफ करेंगे, ये हमको हम आपको अश्योर दिलाते हैं बिल्कुल पसंद आएगी लोगों को, इतनी मेहनत इतना सारा कुछ हो रहा है तो सब कुछ लोगों को पसंद आएगा। सर आपसे चाहूँगा कि आप पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैरेक्टर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? मतलब ये वेब सीरीज जो है मेरे को इसलिए अपील की क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, प्रमाइज बहुत बेहतरीन है और रियलिस्टिक है, तो डेफिनेटली मतलब यही मतलब बहुत ही स्पेशल बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे लोग जो बना रहे हैं उनकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, प्रमाइस अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा सा जैसे आपने पूछा कि आप
अलग कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये थोड़ा डिफरेंट कैसे है, तो इसका प्रमाइज जो है ना बहुत अमेजिंग है और एक पर्टिकुलर जगह की कहानी है तो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर्स हैं, जो एक स्क्रिप्ट की क्वालिटीज़ होती हैं वो सब इस स्क्रिप्ट में हैं। अगर आप टॉप 10 पॉइंट्स देखें, स्ट्रांग कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी वेल रिटन, मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो इसलिए मतलब ये चीज़ें एक्टर्स को अपील करती हैं और एक्टर्स करना चाहते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।